हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कशिका जैन, आप जानते ही हैं मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों के अंदर जो मोबाइल एडिक्शन है उसे कैसे दूर करा जाए। देखिए, समझिए कि बच्चों में जो मोबाइल एडिक्शन है वो बहुत तेज़ी से फैलने वाली एक बीमारी की तरह है, क्योंकि बच्चों में मोबाइल एडिक्शन होने की वजह से उनमें बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं। जैसे बच्चों के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चों के अंदर मोबाइल ओवर यूज़ करने से बैक आंसरिंग जो अपने पेरेंट्स को लेकर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बच्चे मोबाइल में कई बार ऐसी चीज़ों का एक्सपोज हो जाता है उनका जो उनकी एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और स्टडी इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से कंडीशंस भी इसी तरीके की हो रही हैं, तो सारा बच्चों का भी ऑनलाइन वर्क ही हो रहा है, उनकी क्लासेस, उनकी ट्यूशन, उनकी एक्टिविटीज़, ज़्यादातर सब कुछ वो ऑनलाइन ही चल रही है। तो ऐसे में बच्चे क्या है, अपनी क्लासेस करते वक्त भी बच्चे जो है ना अपनी विंडो को चेंज करते रहते हैं, वो साथ में कोई गेम खेल रहे हैं या चैट कर रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारी कंप्लेंट्स मोबाइल एडिक्शन को लेकर मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी मदर्स पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं सो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज मैं आपको इसका साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट समझाऊंगी और कैसे आप अपने बच्चे की साइकोलॉजी चेंज कर सकते हैं और उसे मोबाइल से दूर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जनरली पेरेंट्स किस तरीके का बिहेवियर जो है ना बच्चों के साथ करते हैं। जब भी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड हो गया है, तो सबसे पहले पेरेंट्स जो है वो बच्चे से मोबाइल ले लेंगे या फिर उसका नेट रिचार्ज नहीं कराएंगे, अब या हमारे मोबाइल से अब तुम क्लासेस करोगे, तुम्हें जो मोबाइल लेकर दिया है अब ये तुम्हें नहीं मिलेगा, या फिर उसका कोई भी रिवॉर्ड जो मिला था उसको उसे कट ऑफ कर लेंगे। तो ये सब ऐसे डायरेक्ट वेज होते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि जो बच्चा मोबाइल का एडिक्टेड हो गया है अगर आप उसे एक मोबाइल ले भी लेंगे तो वो फिर दूसरा मोबाइल जो है ना सर्च करेगा। अगर वो आपका मोबाइल नहीं लेगा तो फिर वो हो सकता है कि अपनी ग्रैंड पेरेंट्स का मोबाइल ले, नहीं तो वो किसी और तरीके से मोबाइल का अरेंजमेंट करे, बट वो मोबाइल अरेंज ज़रूर करेगा, बिकॉज आपने उसके बिलीफ पर तो काम किया ही नहीं है ना कि वो मोबाइल ज़्यादा क्यों ना चलाए। सिर्फ आप उसका बिहेवियर देख रहे हो कि वो बहुत टाइम तक, कई घंटों तक मोबाइल का यूज़ कर रहा है, एडिक्टेड हो रहा है, गेम्स खेल रहा है या सोशल मीडिया साइट्स यूज़ कर रहा है, तो अब आप उसके बिहेवियर पे डायरेक्ट अटैक करोगे तो मोबाइल एडिक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको उसके बिलीफ पर काम करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बच्चा मोबाइल के लिए एडिक्टेड क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक कॉज है मोबाइल एडिक्शन का वो है बोर्डम। आप खुद देख लीजिए कि अगर आप कहीं भी ऐसे प्लेस पर होते हैं जहाँ पर आप बोर हो रहे होते हैं, तो हम बड़े भी अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। अब बच्चे तो क्या है, वो तो बड़ा जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं, उनके लिए तो सारी जो दुनिया है उनकी वो इन्जॉयमेंट पर, खेलने पर, इन सब चीज़ों पर टिकी हुई है। अब अगर ये पिछले 1.5-2 साल की कंडीशंस छोड़ दी जाए, उससे पहले हमारे बच्चे आउटडोर अगर एक्टिविटीज़ करते हैं या वो फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं या उनको अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में उनका डे प्लान करते हैं, तो बच्चे के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो मोबाइल को ओवर यूज़ करे। लेकिन अगर बच्चा फ्री है, उसके पास कुछ भी क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव करने के लिए नहीं है और आप भी उसे टाइम नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चा बोर फील करेगा और वो फिर अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करेगा। दूसरा, बच्चे आजकल मोबाइल में या तो सोशल मीडिया के एडिक्शन में आ रहा है या फिर वो गेम्स खेलते हैं, दोनों में ही क्या है, अगर उन्हें सोशल एक्सेप्टेंस मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो भी बच्चा उस चीज़ को बार बार ही एक्सपीरियंस करने के लिए मोबाइल का ओवर यूज़ करेगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर रेगुलर वे में आपके बच्चे को आपसे एप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आपका बच्चा डेफिनेटली मोबाइल का ओवर यूज़ करेगा। तो उसके मोबाइल का ओवर यूज़ करने के पीछे जो बिलीफ है, जो उसको चाहिए, वो वैल्यूज़ जो उसे चाहिए उसे आपको रिप्लेस करना होगा। जब तक आप रिप्लेस नहीं करेंगे तो आपको उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना भी आप उसे डांटेंगे, उससे मोबाइल छीनेंगे या किसी और तरीके से उसे अपना एग्जांपल देके या किसी और बच्चे का एग्जांपल देके आप समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये सब वो तरीके होते हैं जिससे बच्चे को समझ में लॉन्ग टर्म तक नहीं आता।
अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपके डर से वो मोबाइल नहीं यूज़ करेगा, लेकिन जैसे ही वो मौका देखेगा वो ज़रूर यूज़ करेगा। वो बल्कि एक्सक्यूज़ बनाएगा आपसे दूर रहने के, कभी कोई बहाना बनाकर आपसे दूरी क्रिएट करेगा, कभी ये बोलेगा आज मुझे दादी के पास सोना है ताकि दादी के रूम में रुकने से दादी का मोबाइल ले सके, या फिर ग्रुप स्टडीज़ का बहाना बनाकर अपने फ्रेंड से कनेक्टिविटी बनाना चाहेगा, मतलब किसी भी तरीके से वो आपसे दूर होने के बहाने ढूंढेगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है, बच्चे से वो बॉन्ड क्रिएट करना है जिससे बच्चा आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए कि उसका इतना एक्सेसिव मोबाइल यूज़ करने के पीछे क्या कॉज है। फिर आप उस रीज़न को करेक्ट कर दीजिए, फिर बच्चे को वो बॉन्ड सप्लाई दे दीजिए जिसकी वजह से बच्चा मोबाइल को लिमिट कर दे। देखिए पेरेंट्स, आपको समझना होगा कि आज की तारीख में आप बिल्कुल ही बच्चे का मोबाइल बंद नहीं करा सकते हैं, बच्चे का केवल एक स्क्रीन टाइम आप फिक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि बच्चे को क्लासेस मोबाइल की बजाय लैपटॉप से कराएं, क्योंकि लैपटॉप में इतना विंडोज़ एक्सेस करना कंपैरेटिवली इतना आसान नहीं होता जितना मोबाइल में होता है। इसके अलावा बच्चे का मोबाइल एडिक्शन दूर करने के लिए आप उसे क्वालिटी टाइम देना स्टार्ट कीजिए। जब आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम देंगे, उसके साथ कोई भी एक मील इंजॉय करेंगे, आप उसके साथ कोई भी गेम्स इंजॉय करेंगे, जब आप उसके साथ इंजॉय करेंगे कोई भी गेम्स वगैरह, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा जो है ना आपके साथ धीरे धीरे कनेक्टिविटी फील करने लगेगा। बिकॉज जब भी बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन हो जाए तो समझ लीजिए उसके अंदर तीन चार चीज़ें हैं। एक तो वो अकेलापन महसूस करता है, दूसरा क्या है, उसको एक फ्री एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा नीड है। तो अब जब आप उसे फ्रीली एक्सेप्ट करेंगे, आप उसे अप्रिशिएट करेंगे और आप उसे अपना क्वालिटी टाइम देंगे, तो उसकी वो सारी पूर्ति आपकी तरफ से हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होगा, उसके अंदर आपसे कनेक्टिविटी फील होने की वजह से धीरे धीरे मोबाइल से लगाव कम होता चला जाएगा। एंड इसके अलावा जो अब ये जो टिप है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट टिप है जो पेरेंट्स खुद अप्लाई नहीं कर पाते हैं, एंड वो ये है कि भाई आपको खुद का भी मोबाइल टाइम लिमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये सॉलिड रीज़न है कि नहीं नहीं मैं तो अपना मोबाइल नहीं लिमिट कर सकती हूँ, मेरा तो सारा बिजनेस ही इस पे चल रहा है, व्हाट्सएप पर ही चल रहा है, जैसे मेरे पास कुछ मदर्स आती हैं बोलती हैं मैम मेरा तो बुटीक है या मैं तो ये चीज़ें ना सेल करती हूँ, मुझे तो सारा दिन अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ये फॉरवर्ड करना होता है, कोई ऑर्डर आया है वो देखना होता है, ये करना होता है, या आप अपनी फ्रेंड्स को काफ़ी टाइम तक बात करते हैं। अगर आप अपना मोबाइल लिमिट नहीं कर सकते हैं तो आप अपने बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपना मोबाइल टाइम लिमिट कर दे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको वॉक द टॉक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी कि जो आप कह रहे हैं पहले आपको ना उस पर खुद भी टिक कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप या उसके फादर या घर के बड़े लोग तो फ्रीली मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और सारे के सारे डिसिप्लिन के रूल्स सिर्फ बच्चे के लिए हैं, तो सॉरी टू से बच्चा इस तरीके से नहीं एग्री करेगा, बल्कि वो टेंट्रम शो करेगा या फिर वो आपके बिल्कुल खिलाफ हो जाएगा, आपके प्रति उसके मन में कुछ नेगेटिविटी चलने लग जाएगी और इससे आपका बॉन्ड और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो बच्चों को हमेशा हमें वही सीख देनी चाहिए जो आप खुद पर भी अप्लाई करते हो। अगर आप खुद पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप बच्चे से भी वो चीज़ें एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो आई होप आपको ये सब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझ में ज़रूर आ गया होगा और आप अपने बच्चों का मोबाइल एडिक्शन दूर करने से पहले आप अपने मोबाइल यूज़ को ज़रूर लिमिट करेंगे और बच्चे के बिहेवियर को टच करने से पहले आप उसके बिलीफ सिस्टम को एक्सेस करके उसके बोर्डम के जितने भी रीजंस हैं या जो भी उसके एक्सेसिवली मोबाइल यूज़ करने के रीजंस हैं उन सबको आप हेल्दी वे में रिप्लेस करेंगे ताकि आपका बच्चा आपसे कनेक्टेड भी रहे और आपका बच्चे की जो मोबाइल एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाए। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट मंडे मिलती हूँ एक और टॉपिक के साथ, खुश रहिएगा।